तो गाइज यार आज तक आपने YouTube पर कई सारे फूड चैलेंजेस देखे होंगे, लेकिन एक फूड चैलेंज आज हम भी करने वाले हैं और ये है बिस्कुट ईटिंग चैलेंज। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपको 1,00,000 रुपए दूँ इस चैलेंज के लिए तो आप 1 मिनट के अंदर कितने ऐसे बिस्किट खा सकते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप में से काफी लोगों का जवाब हो कि 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट इस तरीके से। तो यही सेम सवाल मैंने अपनी टीम से भी किया, मैंने पूछा यार कि अगर मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूँ तो तुम 1 मिनट के अंदर कितने ऐसे पैकेट खा सकते हो। तो उनका कहना था यार कि किसी ने कहा कि 5 पैकेट, किसी ने कहा 6 पैकेट, किसी ने तो 7 तक भी कह दिया, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 1। आपको भी लग रहा होगा कि अपन खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक सिंपल सी साइंस है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लार बनती है, सलाइवा बनती है, कई सारे एंजाइम्स बनते हैं जो कि खाने के अंदर मिक्स होके उसे बिल्कुल इस तरीके से बना देते हैं कि अपन उसे आसानी से निगल पाए। लेकिन ये वाले जो बिस्किट है गाइस, ये खाने में बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक छोटी सी चीज बस ये है कि ये काफी ज्यादा ड्राई है, यानी कि काफी ज्यादा सूखे हैं। जब अपन इसे खाते हैं तो इस तरीके की ड्राई चीजों को खाने के लिए बहुत ज्यादा लार की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा सलाइवा की। लेकिन कोई भी एक नॉर्मल इंसान अपने मुंह के अंदर 1 मिनट के अंदर सिर्फ 1 मिलीलीटर या फिर 2 मिलीलीटर लार ही बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा यार हो सकता है 4 मिलीलीटर, इससे ज्यादा आपके मुंह के अंदर लार नहीं बनती है। अच्छा, तो अगर आप ये चैलेंज लेते हैं तो आपके मुंह के अंदर बिस्किट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे लेकिन लार कम बनेगी। ये तो लॉजिक है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसी लॉजिक के साथ में हम ईटिंग चैलेंज करने वाले हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो सभी लोग जितना वो कह रहे उतना खा पाते हैं या फिर नहीं खा पाते हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, प्लीज यार गाइस, आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। हम जो भी करते हैं पहले रिसर्च करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि इस चैलेंज के अंदर दिक्कत ये हो सकती है कि जीतने के चक्कर में अगर आपने ज्यादा बिस्किट खा लिए और गलती से किसी ने उस टाइम पे हंसा दिया फिर कुछ भी हो गया तो आप उलझ सकते हैं, आपकी जो सांस लेने की नली है उसके अंदर बिस्किट फंस सकते हैं और चोकिंग होने की वजह से कोई दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। सेफ्टी के लिए हम भी पानी के गिलास रखूंगा सबके पास में ताकि अगर कुछ ऐसा होता है वो फट से पानी पिए और लार की जगह पानी उन्हें मिक्स करे और वो निगल ले। ऑलराइट गाइस, अभी आ जाओ, ये तो हो गई साइंस की बात, अब करते हैं रियल चैलेंज स्टार्ट। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सभी लोग तैयार? तैयार। ठीक है, ये रहे तुम्हारे बिस्किट्स। तुम लोगों के लिए चैलेंज ये है कि 1 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा बिस्किट खाएगा उसे मिलेगा एक बहुत ही शानदार इनाम। लेकिन साथ ही साथ 2 नियम है कि आप बिस्किट खाते वक्त पानी वगैरह नहीं पी सकते हैं। अच्छा, अगर हाँ आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे काफी मुश्किल हो रही है, कोई किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत आती है, तुम जो है पानी पी सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम पानी पियोगे तुम इस चैलेंज के अंदर आउट हो जाओ। समझ गया। और 1 मिनट होते ही जैसे ही मैं बोलूं स्टॉप, उसके बाद में तुम आराम से पानी पी सकते हो। लेकिन इस चैलेंज को जीतने के लिए एक शर्त है, इस चैलेंज के अंदर 1 बिस्किट पूरा खाना तो कंपलसरी है। अगर 1 बिस्किट कोई भी पूरा नहीं खाता है तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक खाना कंपलसरी है, उससे ऊपर जितना आप खा सकते हैं उतनी आपके लिए इच्छा है, तो अपने अपने बिस्कुट ले लीजिए जितना आप खा सकते हैं। और मुझे बताओ कि तुम लोग पहले बताओ बाबा तुम कितने खा सकते हो? 40 लाख, 4-5 पैकेट खा जाऊंगा। ठीक है बॉस। और आप? मैं इससे ज्यादा खाऊंगा। क्या बात है। ठीक है तुम? मैं, अरे मैं क्या बताऊं, देख लेंगे। अरे तो हिसाब से बोलते, साइज तो देख यार। साइज के हिसाब से तो 5 तो हो जाएंगे। अब 5 तो वही खा रहा है यार, एक उसको दे बाबा से, एक बता। तो वो इतना दुबला बता, तू डबल साइज का है, कुछ बड़ा रख। 8। मैं नहीं मानता। ठीक है गाइस, ये 8 पैकेट खाएगा। हां सोहन भाई, मैं सड़ गया। अपने अपने बिस्किट ले, भाई सामने रख लेते हैं। तैयार हो? तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। ये भगवान क्या जुलूम है। स्टॉप 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 गाइस, 1 मिनट हो गया भाई। हाथ हटा भाई, उधर देख, उधर देख, हाथ नीचे कर भाई, पानी पी लो। कोई ऐसा मत, कोई ऐसा मत, कोई ऐसा आएगा नहीं, कोई ऐसा आएगा नहीं। वो क्या करता है रे?
कर दो उल्टी कर दो, भागो जल्दी भागो। कर लो उल्टी कर लो, आराम से कर लो, आराम हो। इसीलिए कह रहा हूँ कोई भी ट्राई मत करना, कोई ट्राई मत करना, ये चैलेंज इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने पैकेट बोल दूंगा, 8 है? एक भी बिस्कुट खा पाए, एक भी अंदर गया पेट के। अरे ये तो अंदर जाते सूख गया। हाँ भाई, तुम कितने खा रहे थे? मैं तो इससे ज्यादा खा रहा था, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे साथ, हुआ क्या? तुम जो बिस्कुट खा रहे थे हुआ क्या? एक तो ये खा रहा है, मुंह के अंदर गया वही सूख गया, अंदर नहीं उतर रहा। और गोविंद भाई तुम्हें क्या दिक्कत ली, क्यों खा पाए तुम? मेरे यहाँ जमा हो गया जाके पूरे ब्लॉक हो गया ना। और वाह भाई, तुमने तुम 5 की खिला था, 5 बिस्किट खा लिए ना। ठीक है गाइस, तो आपने देखा कि ये एक सिंपल सा साइंस एक्सपेरिमेंट था। अपने मुंह के अंदर एक मिनट के अंदर सिर्फ 1 मिलीलीटर या फिर 2 मिलीलीटर जितनी लाल, ये वाले जो बिस्किट हैं ये बिल्कुल शुष्क हैं, तो वो 1-2 मिलीलीटर जो बनता है ना उसको तो एक बिस्किट ही चूस लेता है। तो फिर कोई वजह नहीं बनती है कि वो दूसरे बिस्किट बिल्कुल सूखे रह जाते हैं, इसीलिए ना आप उसे निगल पाते हो और वो आपके मुंह के अंदर ही फंस जाते हैं। अगर अपन सही से ना करें, अगर अपन मान लो कि खाना खाते वक्त अगर ठूस ले मुंह के अंदर, जैसे कि काफ़ी सारे जो चैलेंजेस होते हैं जो कि फूड चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऐसे भर भर के खाते हैं। और तुमने देखा होगा वो साथ साथ बहुत सारा पानी भी पीते जाते हैं। पानी इसीलिए पीते हैं क्योंकि पानी जो है लार का काम करता है, लेकिन अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें होती है फन के लिए। और जहाँ पे आपको भी लग रहा होगा कि कोई 1 पैकेट खा जाएगा, 2 खा जाएगा, 1 पैकेट लास्ट है, वो भी अच्छे से नहीं खाया जाता, इसीलिए आप कुछ भी ऐसा कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। बाकी तुम खुद ही सभी लोग बता दो कि विनर कौन है। विक्रम भाई। तो विक्रम भाई गाइस विनर हैं साइज के हिसाब से, गजब बेइज्जती है। मैंने यही चैलेंज दिया था कि जरूरी नहीं है कि तुम उन्हें निगलो, कि मैं नहीं चाहता था कि कोई जबरदस्ती इस चैलेंज के चक्कर में किसी को कोई दिक्कत आए। बस हाँ, इनको ये बताना था कि साइंस क्या चीज होती है। तो गाइस यार आज के लिए बस, इसलिए कोई इनाम भी नहीं है। ए भाई है मोटे, कुछ तो है, कुछ है, कुछ है, चैलेंज क्या था, इनाम तो होगा, कुछ है। वो कुछ क्या है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम सभी लोग मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। में एक बार और रिमाइंड करा दूं, डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम, एट योर स्कूल और एनीवेयर। हिंदी में तुम्हें पता है ना क्या होता है? नहीं खाया जाता ना? नहीं भाई। तो कोई चीज भी क्यों करनी, 10 बिस्किट भी नहीं खा सकता कोई। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।